नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में बहुत समय से परेशान हो रहे अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें जनाधार में डेटा परिवर्तन से संबंधित है। राजस्थान सरकार के योजना विभाग द्वारा राजस्थान जनाधार प्राधिकरण में परिपत्र 8 जारी किया गया है, 27/8 आज ही जारी हुआ है। इसके नियम 38 में मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्मतिथि, लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें जनाधार पोर्टल के ऊपर निवास श्रेणी को भी एक बार ही परिवर्तित किया जाता है। इनमें जो त्रुटियां हो जाती है या एक बार आपने गलत फिट कर दिया है तो ये वापस अब तक सही नहीं होती थी, इनको सही करने संबंधित प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इस जटिलता को आसान करते हुए सरकार ने इसमें शिथिलता दी है। अब इसमें जिला कलेक्टर को अधिकारी जनाधार योजना को एप्लीकेंट नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी इसमें नाम, जाति, लिंग और परिवार की श्रेणी को एक बार से अधिक परिवर्तन कर सकेंगे। जिस आवेदक के नाम, जन्मतिथि या परिवार की श्रेणी में कोई त्रुटि है उसे परिवर्तन कराना है या अद्यतन कराना है, अद्यतन के लिए संबंधित परिशिष्ट एक दिया हुआ है जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, उसमें संबंधित दस्तावेज दिए हुए हैं। उन दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी और ओरिजिनल के साथ में आपको जिला कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। वो आपका पक्ष सुनेंगे, उन्हें जब आपका ये परिवर्तन करना उचित हो लगेगा तब वो इसके लिए आपके आवेदन को लेंगे और इसमें परिवर्तन करवाएंगे। परिवर्तन करने के लिए जांच होगी, जांच में संशोधन के अपील या स्वीकार करनी है या अस्वीकार करनी है यह निर्णय जिला कलेक्टर के पास है। कैसे होगा? जिला कलेक्टर के लॉगिंग आईडी और पासवर्ड पर जनाधार पोर्टल में मैप है, उसमें लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जहां अद्यतन फॉर्म है, जो अद्यतन फॉर्म और वांछित दस्तावेज दोनों को अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के बाद चेकबॉक्स उपस्थित होगा, चेकबॉक्स में यह लिखा होगा, यह संशोधन मेरे द्वारा वांछित दस्तावेजों की जांच के उपरांत स्वीकार ऑप्लिक स्वीकार किया जाता है। जब स्वीकार किया जाता है ऊपर यस होगा, देन जिला कलेक्टर महोदय के मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करने के बाद जो आपका अपडेशन है वो अपडेशन स्वीकार हो जाएगा और सेव हो जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर अधिकारी को सक्षम अपील के माध्यम से नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी या जाति का अद्यतन पूर्णतः निःशुल्क होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपने अपील की है उसी समय से वो प्रक्रिया या वो अपडेशन आपको